मध्य प्रदेश में 5 अगस्त से मानसून पर ब्रेक लगा। 13वें दिन गुरुवार को खत्म हो गया। दोपहर में रीवा में झमाझम बारिश हुई। सागर, रायसेन और नर्मदापुरम में भी पानी गिरा। साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिस्टम और ट्रफ लाइन के गुजरने से प्रदेश के पूर्वी हिस्से में अगले कुछ दिन बारिश होगी। 19 और 20 अगस्त को भारी बारिश भी हो सकती है। भोपाल, इंदौर और उज्जैन संभाग में हल्की बारिश का दौर ही रहेगा। सीनियर मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर HS पांडे ने बताया कि साइक्लोनिक सर्कुलेशन बंगाल की खाड़ी में बन रहा है। इससे 18 अगस्त से कम दबाव के क्षेत्र में मौसम बदलने की संभावना है। 19 और 20 अगस्त को एक्टिविटी बढ़ जाएगी। रीवा शहडोल संभाग में कहीं कहीं भारी बारिश भी हो सकती है। इसके अलावा 18 अगस्त से ही ट्रफ लाइन के गुजरने से भी बारिश का दौर शुरू होगा। पिछले कई दिन से मानसूनी सिस्टम नहीं होने से मध्य प्रदेश में ओवरऑल बारिश का आंकड़ा 7% तक गिर गया है। पूर्वी हिस्से में 5% और पश्चिमी हिस्से में 9% कम बारिश हुई है। प्रदेश में सबसे ज्यादा बारिश नरसिंहपुर में हुई है। यहाँ अब तक हुई बारिश का आंकड़ा 35 इंच से ज्यादा है। शिवनी मंडला में 32 इंच से ज्यादा बारिश हो चुकी है। इंदौर, जबलपुर, अनूपपुर, छिंदवाड़ा, डिंडोरी, सागर, शहडोल, नर्मदापुरम और रायसेन में 28 इंच से अधिक बारिश हो चुकी है।